मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी MMPSY। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंदर हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है। इस योजना का जो स्टेटस चेक करने का जो ऑप्शन था वो कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन आपके लिए खुशखबरी आई है, अब आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है MMPSY, आपको MMPSY लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको वेलकम MMPSY गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाले इस ब्लू लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी अब भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर लॉगिन कर लीजिए। अगर आप एक ऑपरेटर नहीं है यानी CSCVLA नहीं है तो आपको अप्लाई स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र नंबर फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया है वो यहाँ पर आपको फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आईडी में जितने मेंबर हैं उनकी लिस्ट आपके सामने दिखाई जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने स्टेटस शो हो जाएगा। इस स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होल्ड लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आसानी से अभी आप इस स्टेटस को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल्स को हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये स्टेटस होल्ड है, यानी जो आपकी पेमेंट है वो इसके अंदर होल्ड की गई है। वो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपको पता है पहले भी होल्ड होती थी जो ऑब्जेक्शन लगाया जाता था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये स्टेटस होल्ड क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स लगभग जो फैमिली आइडिया हैं उनमें होल्ड दिखाई का जो स्टेटस है वो आ रहा है, लेकिन मैंने एक फैमिली आईडी में ये भी ऑप्शन देखा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी स्टेटस एक आ रहा है फाइनल सबमिट, यानी जो आपका फॉर्म है वो फाइनल ही सबमिट हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर स्टेटस नहीं है, लेकिन एक बार आप अपनी फैमिली आईडी ओपन करके यहाँ पर स्टेटस ज़रूर चेक करें अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो। अगर आपका फाइनल सबमिट और होल्ड के अलावा कोई स्टेटस आ रहा है तो आप हमें ज़रूर सूचित करें ताकि और लोगों तक मदद पहुंच सके। और जो अगर स्टेटस आपका इन दो स्टेटसों के अलावा कोई स्टेटस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्टेटस यहां पर दिखा रहा है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फॉर्म फिल नहीं किया है तो कैसे फिल करना है, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन बिना CSC सेंटर के भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। फ्रेंड्स, आपका क्या स्टेटस दिखा रहा है ये भी कमेंट आपको ज़रूर करनी है, ज़रूर से ज़रूर करनी है फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।